घर में हुआ नया कैप्टेंसी टास्क। एम से स्टैन, अब्दू और शिव बने कैप्टेंसी के दावेदार। वेल, बिग बॉस के घर में हमने देखा बिग बॉस अर्चना को ये गलतफहमी होने की बात कहते हैं कि घर में जो हो रहा है वो सिर्फ अर्चना के लिए होता है। अर्चना बिग बॉस से वीडियो प्रीव्यू करके देखने की बात भी कहती हैं। वहीं बिग बॉस बजट के लिए मौन व्रत भी घर वालों से रखवा रहे होते हैं। बिग बॉस खेल बदलने की बात भी घर वालों को बताते हैं और आपसे घर में सिर्फ एक कैप्टन होने की बात कहते हैं। वहीं घर वालों से नॉन नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी तीन नाम को चुनने की बात कहते हैं। साजिद, अर्चना, एमसी स्टैन, शिव और अब्दू में से घर वाले नाम चूज करते हुए नजर आते हैं। वहीं अर्चना साजिद से अपने लिए हाथ ना उठाने की वजह से लड़ रही होती हैं, जिसके बाद साजिद अर्चना का साथ देते हुए नजर आए। वही ट्रैक में आगे हमने देखा सभी घर वाले मिलकर एमसी स्टैन, शिव और अब्दू को कैप्टेंसी के दावेदार चुनते हैं। बिग बॉस तीनों को बीच मुकाबला होने की बात भी बताते हैं। वहीं बिग बॉस घर वालों को लोकतंत्र में वोट के थ्रू अगला कैप्टन चुनने की बात बताते हैं, जिसे सुनकर सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही फैंस तीन राउंड में अपने फेवरेट उम्मीदवार को वोट देंगे। पहले राउंड में सबसे पहले उम्मीदवारी अपनी कैप्टेंसी का एजेंडा बताएंगे। वहीं अब्दू सबसे पहले जाते हैं और कैप्टन बनने का रीजन क्यों बता रहे होते हैं। अब्दू अपने ऑलरेडी फेयर होने की बात भी कहते हैं, जिसे जनता काफी ज्यादा पसंद करती है। अब्दू ताजिस्तानी लैंग्वेज में भी सबका स्वागत करते हुए नजर आते हैं और सभी फैंस के लिए गाना गाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर शिव जाते हैं। शिव अपने सपने के बारे में सभी फैंस से बात करते हैं। वहीं स्टैन हार मांगते हुए नजर आते हैं, वो भी जो जीतने के बाद फूल के हार मिलते हैं। एमसी स्टैन का स्टाइल फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं अर्चना अब्दू और स्टैन के जीतने के ज्यादा चांसेस होने की बात करती है, जिसके बाद शिव उनको करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। वहीं शालीन ऑडियंस के लिए डांस करते हुए भी नजर आते हैं। वेल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिरकार शिव, एमसी स्टैन और अब्दू में से कौन बनेगा घर का नया कैप्टन। आपका इस बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बिग बॉस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।